नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 30 सितंबर 2023, शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन में आपको पता है कि मैं वीकली शेयर लेकर आता हूं, सप्ताह का शेयर लेकर आता हूं, दो या तीन शेयर। इस बार मैं दो शेयर लेकर आया हूँ सप्ताह का शेयर में। तो देखेंगे इस सप्ताह ऐसा कौन सा दो शेयर है जिसमें आपके लिए कुछ मूवमेंट बन सकता है आने वाले समय में, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे टारगेट लेना है, कहाँ पर एंट्री लेना है, और उससे भी बड़ी बात कि आखिर यही दो स्टॉक्स क्यों सेलेक्ट किया है, उसके रीजन क्या है। इन सब चीजों को मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन धैर्य पूर्वक वीडियो देखना होगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो बनता है, उतना तो धैर्य भी आपको रखना पड़ेगा। अगर नहीं रख पाएंगे उतना धैर्य, तो फिर कोई हक नहीं बनता है आपका मार्केट से पैसा कमाने का, ठीक है। तो 10 से 12 मिनट का वीडियो धैर्य के स्किप करके मत देखिए, सिर्फ बाय और सेल लेवल, बल्कि पूरा प्रोसेस समझिए, सिलेक्शन रीजन समझिए, ताकि आप भी सेलेक्ट कर सकें अपना स्टॉक, है ना। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। इस बार सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर, जो कि 3 अक्टूबर से सप्ताह स्टार्ट होगा। अब 3 अक्टूबर क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर है सोमवार, आई थिंक, है ना, 2 अक्टूबर है सोमवार, और सोमवार को है गांधी जयंती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, उस दिन शेयर मार्केट बंद है, यानी कि सोमवार को। तो मंगलवार को मार्केट ओपन होगा 3 तारीख को। तो उस दिन के लिए जो सप्ताह स्टार्ट होगा, वहां से जो नया सप्ताह, उसके लिए मैं वीकली शेयर लेकर आया हूँ। तो चलिए एक एक करके स्टॉक्स को देखेंगे और ये समझेंगे कि कौन सा स्टॉक्स का सिलेक्शन रीजन क्या है। तो दो शेयर है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, और एक शेयर तो आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे पास है। मैं भी जैसे ही नाम बोलूंगा आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक तो इसके पास है, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन। हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये स्टॉक्स, इसको आप मिस नहीं करिए। मैं अगेन और अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको मिस मत करिए, क्योंकि इसमें खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। अब खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को बहुत कुछ से मतलब क्या है? मतलब कुछ इस प्रकार है कि इसका लो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये अप्रैल 2023 का लो लगाया था, 120 रुपए का, 120 का लो लगाया था। कब, कितने का? 120 रुपए का, 120 का, ओके। एक बात तो ये पता चल गया कि 120 रुपए के नीचे इस साल, ये 2023 में अभी तक नहीं गया है, यानी कि अब जो है लगभग नवंबर अक्टूबर आ चुका है, लगभग खत्म हो जाए, साल खत्म होने में 3 महीना बचा हुआ हो सकता है और गिर जाए, लेकिन जैसे कि चांसेस बना रहा है। अगर आप इसका प्रीवियस थोड़ा चार्ट देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अब यहाँ पर ये स्टॉक्स ने, मैं यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर दूं, अगर इस 120 रुपए वाला और 115 रुपए वाला जो ये प्राइस है, तो आपको ये पता चल जाएगा। ऐसा बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप इस, जैसे ही मैंने ये लाइन ड्रॉ की ना 115 से भी, तो आपको इस जगह पर आना होगा मई 2021 में ये प्राइस आपको नजर आएगा, मई 2021 में ये वाला प्राइस आया था, और यहाँ पर स्टॉक जो है कंसोलिडेट भी किया था भाई। आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक क्या किया था, कंसोलिडेट किया था काफी टाइम से, 120 से 115 के आसपास जो है स्टॉक्स ने काफी कंसोलिडेट किया था। आप देखिए, ये मैं बॉक्स लगा देता हूँ, है ना। अब उस कंसोलिडेशन एरिया को जो ब्रेक किया ना 2021 में, तब ये ऊपर गया, काफी तेजी से भागा, मस्त पैसा बना, 120 से चला गया 220, है ना, 220 से चला गया 247, मतलब हवाई जहाज। उसके बाद स्टॉक्स नीचे आया, नीचे आते के बाद कंसोलिडेट करके उसी एरिया पे सपोर्ट लेने लगा, सपोर्ट लेते लेते फिर नीचे आया, फिर उसी एरिया पर पहला वाला जो 125 वाला जो एरिया बना रखा था उसको तोड़ के नीचे आया, दूसरा 115 पर, यानी वह बस उसी रेंज पर 2021 वाला जो कंसोलिडेशन एरिया का रेंज था वहां क्लेम करके वहां से बाउंस कर गया। बाउंस करने के बाद ये कब, ये घटना किस शताब्दी में घटा है, तो ये मार्च 2023 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे आया, सॉरी, उसके बाद फिर ये ऊपर गया, है ना, ऊपर जाने के बाद फिर उससे भी बड़ा रैली आपको मिला, 260 तक चला गया, देख रहे हैं, तो जबरदस्त। अब स्टॉक्स फिर से नीचे आना शुरू हुआ है, लेकिन
अपने प्रीवियस जो लो है 115 और 120 उसको तो वो टच ही नहीं कर रहा है, उसको वो टच ही नहीं कर रहा है, बल्कि ये काफी कोशिश कर रहा है कि एक रेंज में फंस जाए, और ये हम बता दें कि इस रेंज के नीचे जाने की कोशिश हम नहीं कर रहे, ऐसा ये स्टॉक बताना चाह रहा है। अब क्रैश हो जाए मार्केट, धड़ाम हो जाए तो अलग बात है ना। तो यहाँ से स्टॉक नीचे जाने को तैयार नहीं हो रहा, एक बॉक्स में बहुत ही अच्छे से हो रहा है। लास्ट टाइम आप वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम देख रहे हैं, ये वॉल्यूम जो है आपको पूरे पिछले जितना भी मंथ आप देख लेंगे ये वॉल्यूम आपको मिलेगा ही नहीं, यानी कि ये जो कैंडल बनाया था, बुलिश कैंडल जो बनाया था, ये बुलिश कैंडल, इससे इसमें जितना वॉल्यूम आया था उतना वॉल्यूम आपको पीछे नजर ही नहीं आएगा कहीं। आप 22 तक में टहलाइए, 2022 तक में नहीं मिलेगा, वॉल्यूम में तो जबरदस्त था। और स्टॉक्स अगले दिन थोड़ा रेड कैंडल बनाया, वो इसलिए बना कि जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बना हुआ ना वो थोड़ा यहाँ से एग्जिट किया, यानी कि जिनको दो चार दिन का प्रॉफिट लेना था, एक दिन का लेना, वो निकल गया। अब जो एंट्री बनेगी फ्रेश और जो अच्छे लोग, बड़े लोग, पैसा वाले लोग आएंगे ना, वो इसके ऊपर घात लगा के बैठे हैं, तो आपको भी इसके ऊपर ही एंट्री लेना है, क्योंकि ये वापस से बॉक्स बन चुका है ना। आपको इस एंट्री कहाँ बनेगी, इस बॉक्स के ऊपर ही। और ये कौन सा बॉक्स है, इसको कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, और हमारी मातृभाषा यानी कि हिंदी में कहते हैं आयत, आय, और इसको कह सकते हैं आयताकार, ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है उसको रेक्टेंगल आयताकार बोलते हैं, आयत बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो सब CBSE या ICSE बोर्ड वाला, बोथ साइड्स इज इक्वल है ना, देन कॉल्ड रेक्टेंगल, ऐसे कुछ बोलते ना, मैं हिंदी में बोलता हूँ कि आमने सामने की भुजा जिसकी आपस में बराबर होती है उसके आयत कहते हैं। तो ये आयताकार पैटर्न बना रखा है, इस पैटर्न के ऊपर निकलने के जब भागेगा ना तब आपको एक मूवमेंट बनेगा। तो जाहिर सी बात है कहाँ खरीदेंगे, हमें खरीदना होगा 175 पहला से लेके 180 के ऊपर। लेकिन जैसे ही मैंने ये लेवल दिया, एक डिस्क्लेमर यहीं से स्टार्ट हो जाता है, आपको भी पता है ये जो है मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं एजुकेशनल पर्पस पर क्या बता रहा हूँ, इस पैटर्न के ऊपर आपका ब्रेकआउट बनता है, लेना ना लेना आपकी मर्जी, पैसा आपका, जिम्मेदारी आपका, प्रॉफिट भी भाई आपका ही होता है, प्रॉफिट में से हमको तो पैसा आप देते हैं नहीं है ना, तो फिर सब कुछ आप ही का होगा। मेरा काम है यहाँ पर आपको एजुकेशनल पर्पस से ये बताना कि कहाँ पर आपकी एंट्री बन सकती है, आप अपना रिसर्च कर लें, एनालिसिस कर लें, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाम सुआ कर लें, तभी पोजीशन बनाइए। तो 175 से 180 के ऊपर। अब बात आता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा भैया, तो स्टॉप लॉस इस बॉक्स के निचला सिरा पर लगेगा, और वो निचला सिरा कितने का आता है, 150 रुपए का आता है, तो आपका स्टॉप लॉस भी क्लियर हो गया और आपका एंट्री लेवल भी आ गया 175 से 180। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि इन केस ये ऊपर ही ना जाए, इनकेस ये ऊपर ही नहीं जाए, पहला करें, अभी हम ऊपर की बात, टारगेट की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ऊपर की एंट्री की बात किया, अभी हम सेकंड सिनेरियो पे आ रहे हैं कि मान लेते ये ऊपर ही रह जाए और ऐसा कुछ हो जाए कि ये नीचे नीचे चला है, तब और नीचे आके अगर ये तोड़ता हुआ आता है इस एरिया के नीचे, 150 के नीचे आता है, तब आपके दिमाग में हिट हो जाना चाहिए कि जब ये 150 के नीचे आता है तो ये कहाँ पर आता है, ये 125 से 115 के रेंज में आता है। पिछले हिस्ट्री पे मैंने आपको दिखाया, पीछे चार्ट वीडियो स्किप किया हो महाराज तो जाके वापस से पीछे करके देख लें वीडियो, मैंने वो हिस्ट्री आपको दिखाया। तो यहाँ पर जब वो आएगा तब यहाँ पे आप खरीदेंगे 120 से 115 के आसपास, क्लियर हो गया, 125 पे भी ले सकते हैं, और जब यहाँ से लेंगे देन तब यह आपका जो यहाँ से टारगेट बनेगा वो बनेगा 150 का, तब इस कंडीशन में टारगेट बनेगा 150 का और 175 का, क्लियर, और इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस बनेगा नीचे 100 रुपीज का, ये निचले वाले स्तर से, ये सेकेंड सिनेरियो में। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करके पहला वाला सिनेरियो होता कि ऊपर ही ऊपर चला जाए और ये लेवल आ जाता है, तब आपका लेवल तो आ गया, अब स्टॉप लॉस भी वैलिड हो जाएगा, अगर 175 से 180 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो आपका लेवल एग्जीक्यूट हो गया, लेवल वैलिड भी हो गया क्योंकि क्लोजिंग कर रहा है, तो 150 का स्टॉप लॉस लगा के तब आप टारगेट की वेट करें, आराम से वेट करें। पहला तो टारगेट बनेगा भैया, यहाँ पर हमारा हर्डल बैठा है ये वाला, तो पहला टारगेट बनेगा 200 रुपए का, आप 210 भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 210 भी पकड़ सकते हैं, 200 भी पकड़ सकते हैं, और दूसरा टारगेट बनेगा ऊपर की साइड में 240 रुपए का, 240 का टारगेट, क्लियर है ना। तो ये कौन सा स्टॉक है, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, आप इस स्टॉक्स की एनालिसिस करिए, रिसर्च करिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो एक शेयर की बात होगी, मैंने कहा मैं दो शेयर बताऊंगा, तो दूसरा शेयर की तरफ जल्दी से चलते हैं, कमेंट फीडबैक जरूर दिया करिए।
दूसरा जो शेयर है देखिए वो भी अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा, गुज्जू भाई का है, यानी कि गुजरात कंपनी का है, गुजरात गैस, गुजरात स्टेट वाला, देखिए गुजरात, गुजरात गैस है ना। अब आप यहाँ देखिए, पूरा नाम लिखने से नहीं आएगा, ये है गुजरात गैस, ठीक है। अब ये एनईसी वाला चाहिए। अब यहाँ पे देखिए गुजरात गैस के प्राइस कितना पे चल रहा है, मात्र 423 रुपए के आसपास पे इसकी क्लोजिंग हो रही है, कितना 423 पर चल रहा है, मात्र 423, भाई गुजरात गैस है 423 पर है, मजाक है। चलिए अब यहाँ पे आप ये समझिए क्यों अभी हम इसको बात कर रहे हैं, थोड़ा पीछे चलेंगे, इतिहास को देखना पड़ेगा। तो हमने एक इतिहास के इसके सबसे निचले स्तर पर एक लाइन लगा दिया जिसका भाव आता है 400 रुपए का, देख रहे हैं ना, ये जुलाई 2022 में इस कर्मकांड को इसने आयोजित किया था, 400 रुपए का एक लो लगाया था। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब ये जब 400 का लो लगाया तो क्या सिचुएशन बनता है कि ये इस तरह से जा रहा है और ये घूमते हुए वापस आके यहाँ क्लेम कर ले, यस हो सकता है। और यहां पर से आप ये बाउंस होते हुए भी देख रहे कि किस तरह से यहां से गिरा और ये बाउंस होकर ऊपर भागा, तो एक सिनेरियो आपके सामने में क्या बनता है कि अगर 400 के आसपास मिल जाए ना तो दिल तो खुश हो जाए, फिर तो भैया बहुत बढ़िया। इसीलिए पीछे चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये 400 पर से ही कई बार तेजी से ऊपर की तरफ बाउंस किया है, देखिए है ना, कई बार भागा है। और ये 400 का जो एरिया है ये इसके लिए एक बढ़िया सपोर्ट का भी काम कर रहा है, क्योंकि इसके नीचे वो आना नहीं चाहता है। अगर 400 के नीचे आ गया तो 20 पॉइंट का गैप इसको और मिलता है, 380 390 का गैप इसको और मिलता है। तो मैं आपके लिए दो चीजें आपको इसमें भी समझाता हूँ, इसीलिए मैंने कहा था वीडियो थोड़ा पूरा देखिएगा ना तो समझ में आएगा, बाय सेल करना और उधार के ज्ञान से, हमेशा याद रखिए एक बात, कड़वी बात है लेकिन हमेशा, उधार के ज्ञान से पैसा नहीं बनता, हमेशा आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और कीमत जरूरी नहीं कि आप कोर्स खरीदें, कीमत जरूरी नहीं कि आप टिप्स पैसे दे के टिप्स ले लें, कीमत होता है आपका समय, कीमत होता है आपका समर्पण, उसको भी कीमत बोलते हैं। माँ बाप को आप अगर प्रणाम करते हैं झुक करके तो माँ बाप प्यार करते हैं, तो क्या इसका मतलब थोड़े कि आप पैसा देते हैं तो माँ बाप प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है ना, उसके लिए आप समर्पित होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपना समर्पण दिखाना होगा, कीमत उसके रूप में भी चुकाया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये चीजें हो गई। अब ये क्या है कि अगर हमें 400 रुपए के आसपास में मिले, 380 से 400 पर पहला सिनेरियो समझेंगे, अगर इस लेवल पर ये मिलता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो बहुत अच्छा। लेकिन हम ये मान के चलते कि अभी नहीं मिलेगा, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि नहीं मिले, अगर इनकेस मिलेगा तो हम इसकी भी बात कर लेंगे कि अगर ये 380 से 400 के आसपास में मिलता है तो आप एक स्टॉप लॉस आप इसमें 350 का लेके रख के टारगेट जो है 420 से लेके 450 तक का चला सकते हैं। ये पीछे वाला सिनेरियो की बात कर रहा हूं, मतलब जो सेकेंड सिनेरियो, ये पहले सेकेंड सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो क्या होगा कि ये हो सकता है जिस तरह से ये कैंडल बना रहा है यहां से, ये यहीं से बाउंस हो जाए, जिस तरह से कैंडल बना रहा है हो सकता है यहीं से ये बाउंस हो जाए। तब इस कंडीशन में जो काम करना होगा आपको, कुछ टेक्निकल चीजों को अप्लाई करना होगा। हम लोग एक उसेन बोल्ट या किसी भी धावक को दौड़ते हुए देखते हैं ना, धावक को जब दौड़ते हुए देखते हैं तो धावक का पिछला पैर आपने देखा है कैसे एड़ी ऐसे उठा हुआ रहता है, उसका एड़ी देखिएगा कैसे करके ये जो है ना, ये पैर का अंगूठा पंजा जमीन पे, पीछे का एड़ी उठा हुआ रहता है फोर्स लगाने के लिए, उसको काइनेटिक एनर्जी शायद वो जनरेट करता है आई थिंक, तो उसके लिए फोर्स लगाने के लिए वो पीछे का तलवा उठा कर रखता है, ठीक है, इससे उसको फोर्स मिलता है आगे दौड़ने में ज्यादा। आप यहाँ पे ध्यान दिखेगा उस चीज को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ हमारा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जिसके वजह से ये पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ से नीचे आया तो रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया तो ये सपोर्ट बना और सपोर्ट से ये बाउंस किया, फिर नीचे आता है और सपोर्ट से जब ये बाउंस करता है तो आप इस जगह पे ध्यान से देखिएगा कि क्या किया था यहाँ पर, ये जगह पे कि इस जगह पे ये जो कैंडल, ये जब नीचे आया यहाँ और यहाँ जब ये भागा तो यहाँ पर एक वो एड़ी बनाया, एक तलवा बनाया जो कि जमीन से उठा हुआ था, जमीन से उठा हुआ था फोर्स लगाने के लिए, यानी एक ऐसा पॉजिटिव कैंडल बनाया जो इसको पुल बैक, सॉरी मैं पुल बैक नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा बाउंस बैक, जो बाउंस बैक की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है,
बाउंस बैक की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसको जरा हम इसी ट्रेंड लाइन से नीचे ससरते हुए आ जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे भी उसी तरह की कैंडल बना रहा है जो तलवा उठा हुआ है जमीन से। ध्यान से देखिए इस तरह की चीजें आपको जल्दी टेक्निकल क्लास में समझने को नहीं मिलेगा, हमेशा इंग्लिश में भारी भारी वर्ड बोल के दिमाग खराब किया जाएगा आप लोगों का। लेकिन यहाँ पे देहाती लैंग्वेज समझा रहा हूँ कि जिस तरह से जो धावक दौड़ने के लिए अपना तलवा उठा कर रखता है ताकि उसको फोर्स मिल सके, ये तलवा उठा हुआ है जमीन से। भैया जमीन यहाँ है, तलवा यहाँ उठा हुआ, फोर्स मिलेगा, दौड़ेगा, बाउंस कर जाएगा, बहुत तेजी से उछलेगा, है ना। तो वो फोर्स यहाँ से ये जनरेट कर रहा है। तो अगर इसमें गुजरात गैस में अगर बाय साइड आपको मूवमेंट लेना होगा तो आप 425 के ऊपर एक मूवमेंट आता हुआ देखेंगे, कितना के ऊपर, 425 के ऊपर। अब देन इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस होगा वो तलवा वाला प्राइस होगा, जिसका प्राइस आता है 400 रुपए, तलवा वाला प्राइस। हालांकि 410 आता है लेकिन मैं थोड़ा सेफ्टी पीरियड 400 रख के चल रहा हूँ। और इस कंडीशन में टारगेट आपके ऊपर 450, 475 और अच्छा वाला टारगेट 500 तक का भी बन सकता है। ये बन रहा है गुजरात गैस में, क्योंकि ये प्राइस जो है इसको काफी दिनों के बाद आया है गुजरात गैस में, लगभग 2 सालों के बाद आया है। मैं जरा पीछे जाके चार्ट देखूं तो चलते गुजरात गैस में ये वाला प्राइस 1 साल के बाद आया है, उस प्राइस को क्लेम करने के लिए आया। बिल्कुल सही, 1 साल के बाद आया। तो अब वहां से उसी पैटर्न को, ये सिनेरियो को रिपीट करता हुआ नजर आ रहा है, उस कैंडल के पैटर्न को, उस तरह के फोर्स के पैटर्न को। तो इस वजह से सिलेक्शन हो गया गुजरात गैस का। आप इसका MACD, वो कौन कौन सा CD होता है वो सब आप लगा के देखिए अपना और मजा लीजिए। RSI, MACD, फलाना ढिमकाना जो भी होता है, जितना भी लगाना आप लोग अपना अपना स्तर पे लगाते रहिए। यहाँ पे आपको अभी MACD नीचे आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि तो नीचे आ रहा है तो मैंने क्या बोला लेना है, नहीं ना, मैंने कहा 425 के ऊपर लेना है अगर क्लोजिंग करता है तो। दूसरा कहा बोला, जहां 380 से 400 के आसपास मिले तो लेना है ना, ये बोला। तो अगर इस प्राइस में मिले तो वेल एंड गुड, नहीं अगर ऊपर जाता है तो क्या फर्क है, RSI ओवरसोल्ड हो चुका है, RSI ओवरसोल्ड हो चुका है, नीचे इसके पास कुछ है नहीं तो क्या करेगा। अब हमें सिर्फ ये है कि हमें इस प्राइस के ऊपर क्लोज हो जाए भैया, बस अगर इस प्राइस के ऊपर क्लोज हो गया तो हमारे 2 टारगेट आने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये है मेरा व्यू दोस्तों गुजरात गैस और हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन पर। आपका क्या व्यू है, आपको कौन सा शेयर अच्छा लगा इस बार सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर में मुझे कमेंट में बताइए और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।